अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस वक्त जो है नजम भाई की जो है आपको हम दिखाते हैं कबूतरों का शौक़ दिखाया, अभी बकरियों का और मुर्गों का भी शौक़ दिखाते हैं। ये इनके पास दो बकरियां हैं और एक नर है ना। ये इन्हीं का ही बच्चा है। ये मेरे पास लैलपुरी नस्ल है, पंजाब लैलपुरी फैसलाबाद। सही, ये बच्चा है 8 महीने 7 महीने का बच्चा है, वो उनकी माँ है। फिर उनकी माँ जो ये है, ये बड़ी बकरी है मेरे पास। ये दूध देने में जो ना आखिर कर देती है माशाल्लाह, 1.5-2 किलो दूध देती है ये 2 टाइम। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी जो है किसी से कर लगवाएं? वो मैंने क्रॉस करवाई है गुलाबी बकरे से, ये वाला जो सीधे हाथ पे जाए। सही बैठी है। और ये बड़ी बकरी जो है ना, असल में भाई है इनको माशाल्लाह दाना खिला खिला के ना हाँ वो ख़राब कर दी बकरी। अभी इनको दाना कम कर दिया क्योंकि ये लगे थे, जो बकरा बन गया पूरा। तो इनका तो आप फोर सेल वगैरह का नहीं है, बस शॉप में नहीं, रखने नहीं ये फोर सेल नहीं करता। मैंने घर की एक शौक रखा हुआ है कि घर में जानवर होने चाहिए। सही, तो जानवरों का शौक है हमें, बकरियां भी है। और ये मेरी कच्ची जगह है, तो दोस्त काफ़ी मुझे बोलते हैं कि यार हमारा बछड़ा रख दो, हम पाल लेंगे। हमने नहीं पालने लगे। अभी मैंने इसको इंजेक्शन लगवाया 3 महीने का, ये मस्ती नहीं करे नहीं तो ये रुकने नहीं देता यहाँ पे। मैंने यूँ छोड़ा है इसको आंडू, नहीं तो मैं खस्सी करता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉस लगवाता हूँ ना तो मेरे पास बकरा नहीं होता। तो अपने एक बकरा छोड़ा है भाई जान के, अभी इसको मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना आंडू छोड़ा हुआ है। सही। बाकी ये मुर्गियाँ चुर्गियाँ भी छोड़ी हुई है कि इनका दाना पानी खाती रहती है। और ये बच्चा नज़र आ रहा है बकरे का? हाँ, ये एक दोस्त की बकरी थी, उन्होंने करा कि यार गाबा ने आप बच्चे करा दो। हाँ, तो मैंने बच्चा कराया तो उन बकरी के अंदर इन्फेक्शन था, दो बच्चे दिए थे, एक मर गया था। तो ये भी बेचारा जिंदा लास्ता अपसेट हुआ है, क्यों माँ का दूध वो पीता था तो बीमार हो जाता था, दस्त मोशन लग जाते। फिर माँ हटा के मैंने इन्हीं बकरियों का दूध पिलाया, तो अभी थोड़ा बेचारा सेट हुआ है। तो ये भी दे दूंगा उस दोस्त को, मैंने बोला ले जा भाई, अब तो माशाल्लाह सेट हो गया। तो वो लेके ही नहीं जा रहा, माशाल्लाह 2 महीने का बच्चा हो गया है। तो इसको कमज़ोर यूँ हो गया है कि इनको अपना दूध माँ का नहीं मिला, फिर हमने अपनी बकरियों का दूध पिलाया। बाकी मुर्गियाँ वगैरह भी ऐसे ही शौकिया रखी हुई। जगह अलग है, चुका ना अपने पास सच्ची है, बड़ी जगह है। अभी थोड़ी सेटिंग नहीं की, मलबा वगैरह बड़ा हुआ है, टाइम नहीं मिलता, तो सफाई करेंगे। अच्छा मौसम भी चेंज हो रहा है ना, सही बात है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, जगह सेटअप बनाना पड़ेगा ना। चलें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नजम भाई के आपको सेटअप दिखाया है कबूतरों का, बकरों का और मुर्गियों का। जो इनका शौक है छोटा सा वो आपको शौक दिखाया है खाली। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।